हेलो नमस्ते, मेरा नाम है शीतल कावा और आप देख रहे हैं सिनी स्पिक्स चैनल। जैसे कि आप सभी को पता ही है, आप सभी ने बिग बॉस 3 का वीकेंड का वार देखा ही हुआ है। उसके अंदर गीता कपूर जो है, उन्होंने उमर को बोला था कि आपका जो अग्रेशन है आपके प्रोफेशनल लाइफ पर भी अफेक्ट कर सकता है, बिकॉज आप एक सर्जन है तो अग्रेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन उमर ने ऐसा कहा है कि मेरा जो प्रोफेशन एंड पर्सनल जो है वो दोनों ही अलग अलग है, उसमें मैं अग्रेशन क्यों लाऊंगा। क्योंकि बिग बॉस 15 के अंदर वो एज ए कंटेस्टेंट बनकर आए थे, उसके अंदर जो है वो खुद का रियल फेस दिखा रहे थे कि मैं ऐसा हूँ, तो और ना कि वो किसी अग्रेशन में आके किसी सर्जन बन के डॉक्टर बन के किसी पेशेंट का कुछ ख़राब नहीं करेंगे। ऑफकोर्स एक डॉक्टर का वो होता ही है कि हम जान बचाएं सामने वाले की। तो ऐसे में सब लोगों ने बात की थी इसके बारे में, और हिमांशी जो थी, हिमांशी खुराना, उसने लाइव आके उसने बहुत सारी बातें शेयर की उमर रियाज के बारे में, क्योंकि उसको भी पसंद नहीं आया कि एज अ पर्सनल तुम क्यों जाते हो, किसी की रोटी रोजी पर ऐसे क्यों बोलते हो, गीता कपूर को कहा। तो बहुत कुछ हुआ और लाइक उसने उमर रियाज का सपोर्ट लिया हिमांशी खुराना ने, और उसने कहा कि किसी की रोटी रोजी पर हम कुछ नहीं बोल सकते, प्रोफेशनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को टारगेट किया जा रहा है इसके अंदर। और साथ ही में उसने बोला कि डीमोटिवेट करते हैं, और ना कि अगर एक इंसान को आप बोल रहे हैं कि आप अग्रेशन में हो, तो आप ऐसा बता रहे हैं कि एक वायलेंट डॉक्टर है सबके सामने ये बोलना कि आप अग्रेशन में हो, तो ऐसा लगता है लोगों को कि हाँ ये वायलेंट डॉक्टर है, और बहुत ही हार्श फील होता है, बहुत अच्छा फील नहीं होता है। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और साथ ही ने उमर रियाज को गीता कपूर को ट्विटर पर टैग करके क्या कहा वो मैं आपको बताती हूँ। तो गीता कपूर, यू हैव इंटरमिंगल्ड माई प्रोफेशन एज अ डॉक्टर एंड माई बिहेवियर इन अ रियालिटी शो एंड जज्ड मी। ऑफकोर्स क्योंकि उसने जज किया था कि मेरा प्रोफेशनल में वो कैसे है एंड रियालिटी में कैसे है, तो उन्होंने बहुत जज किया था। माई रिएक्शन हैज़ ऑलवेज बीन एन एक्शन टूवर्ड्स मी विच यू फेल टू अंडरस्टैंड। इट्स सो अनफॉर्चुनेट दैट यू ट्राइड टू डिमीन मी ऑन नेशनल टीवी जस्ट टू सेट अ नरेटिव अबाउट मी। तो गीता कपूर ने जो उनको जज किया कि अग्रेशन में है, तो डॉक्टर भी अग्रेशन वाले नहीं होने चाहिए। तो ऐसे में आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।